अगर सच पूछा जाए तो हनुमान नगर में काम दिख रहा है मेट्रो का, ये काम काफी तेजी से काफी स्पीड में हो रहा है। हनुमान नगर मेट्रो का अपडेट लेटेस्ट देने आप लोग को बने रहिए। मैं सारा वगैरह सब चल पटना स्टैंड पे मैं आ गया हूँ बहुत दिनों बाद हनुमान नगर पे लेटेस्ट अपडेट देने मेट्रो का। काफी काम यहाँ हो चुका गाइस, काफी स्पीड से काम चल रहा है। थोड़ा मोड़ा हम लोग कुछ दिन नहीं आते तो काफी काम बढ़ जाता है, तो बने रहिए व्लॉग में एंड तक और मैं दिखाता हूँ आपको लेटेस्ट अपडेट। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं ये पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा गाड़ी है, उसमें कौन सा मशीन है मुझे तो आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को आइडिया होगा तो प्लीज़ इसको कमेंट में बताएंगे। और देखिए हनुमान नगर का लेटेस्ट अपडेट है गाइस, जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर जो पुल का जो ऊपर लगता है वो एक साइड का लग चुका है हनुमान नगर में, बहुत ही ज़्यादा लग चुका है। एक पिलर पर नहीं, कम से कम 10 से 12 पिलर के ऊपर ये बैठ चुका है। और समझिए कि इसके ऊपर जो है ट्रैक बिछाने का काम होता है, आप लोग सभी जानते हैं। और ये है हमारा हनुमान नगर का अपडेट गाइस। हनुमान नगर हमारा कंकड़बाग एरिया में पड़ता है जो कि मेट्रो का काम में काफ़ी स्पीड में चल रहा है। हालांकि आप हनुमान 0 माइल से आप अगर आते हैं तो पहले हनुमान नगर पहुँचेंगे, हनुमान नगर से आप सीधे जाइएगा निशाबाद और पूरे बाईपास में, जी हाँ गाइज़ पूरे बाईपास में मेट्रो का काम काफ़ी स्पीड चल रहा है। गाइज़ आप समझिए कि मैं जा रहा हूँ अभी हनुमान नगर, ये हनुमान नगर का पूरा कंप्लीट एरिया है जो हम लोग बाईपास मान लीजिए 0 माइल से आप आते हैं और बाईपास 90 फीट आपने नाम सुना होगा, 90 फीट से अगर हम लोग दाहिने मुड़ते हैं तो दाहिने मुड़ के ये रास्ता जाता है जो कि सीधे, अगर मैं इसके सीधा ही चलता रहूं तो मैं सीधे राजेंद्र नगर पुल के पास या टर्मिनल के पास पहुंच जाऊंगा। और गाइस देखिए यहाँ का जो पुल का काम है ना काफ़ी स्पीड में चल रहा है। मेट्रो का जो वर्क है वो बिल्कुल बीच में रुक गया था हनुमान नगर में, आप कुछ देर पहले मैंने आपको व्लॉग में अपडेट किया था कि हनुमान नगर का काम जो है वो काफ़ी रुक गया है, लेकिन अभी जो है काम फिर से तेज़ी से शुरू हो गई है। और जो भी मेट्रो का वर्क है, जो भी पिलर का वर्क है वो काफ़ी स्पीड से, जी हाँ गाइस काफ़ी स्पीड से काम चल रहा है। और ये हनुमान नगर का आप देख सकते हैं कि जो पुल का कंस्ट्रक्शन है जो पिलर से वो बन के रेडी हो गया, ऑलमोस्ट समझ सकते हैं कि बस अब इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो बैठेगा, उसके ऊपर पटरियाँ बिछेंगी, उसके बाद ट्रेन जो है हमारी मेट्रो की जो गाड़ी है वो अप डाउन होने वाली है। और ये देखिए गाइस यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि एक साइड से इस पिलर से एक साइड से जो है ऊपर का स्ट्रक्चर जो है वो बन के रेडी हो गया है, बन के तैयार हो गया है। और समझिए कि अब जो है यहाँ का जो यातायात है वो प्रॉब्लम में भी नहीं आ रहा है। आप ये देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो ऊपर है उसके ऊपर में पटरी बिछेगी, ट्रैक बिछेगा और जो मेट्रो गाड़ी है वो अप डाउन करेगी। मैं गाइस बताना चाहूँगा इस पुल से इस पिलर से डबल गाड़ी क्रॉस करेगी, एक जाएगी सच पूछा जाए तो हनुमान नगर में काम दिख रहा है मेट्रो का, काफी तेजी से काफी स्पीड में हो रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कितना काम हो चुका है ऑलरेडी, समझिए कि अब इस स्टेप के बाद जो होता है वो पटरी जो है ट्रैक जो है वो बिछने का काम होगा, उसके बाद उस पर रेल जो अपनी मेट्रो है वो दौड़ेगी। इमेजिन कि जब मेट्रो ट्रेन जब हमारी सौगात जमा में हमारे बिहार या पटना में मिलेगी तो कितना मज़ा आने वाला है, और जब ट्रेन आएगी जब बोगी आएंगी तो तब तो और मज़ेदार होने वाला है अभी हमारा व्लॉग, तो बस बने रहिए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स अब जैसा आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग 0 माइल से अगर हम लोग हनुमान नगर आते हैं, हनुमान नगर से हम लोग राजेंद्र नगर टर्मिनल तरफ जाते हैं तो आपको ये पुल का जो कंस्ट्रक्शन है वो दिखने को मिलेगा। और आप समझिए कि जो पहले यहाँ पे ट्रैफिक लगा करता था वो ट्रैफिक अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिकॉज काम जो है अब ऊपर चल रहा है, काम जो है अब पुल के ऊपर हो रहा है। अब इसके बाद जो है दो से तीन साल वेट करने के बाद जो है गाइस काफ़ी सारा मेट्रो जो है मेट्रो वर्क है वो कम्प्लीट हो जाएगा। बस इंतज़ार है हम लोग बिहारवासी को और पटनावासी को कि जल्दी जल्दी हमारा मेट्रो ट्रेन मेट्रो का जो रेलवे है वो सौगात जो है जल्दी शुरू हो जाए और काफ़ी परेशानियों से दूर हो जाए हम लोग और अप डाउन करने में काफ़ी मज़ा आए। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अगर हम लोग राजेंद्र नगर तरफ जाते हैं बढ़ते हैं तो इधर जो है वो पुल के जो ऊपर कंस्ट्रक्शन है वो अभी बना नहीं है, यहाँ बन ही रहा है और यहाँ का जो काम है वो लेटेस्ट शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ तो ऑब्वियसली टाइम लगने वाला गाइस। और ये जो रास्ता है मैं आपको बता दूँ ये जा रहा है राजेंद्र नगर टर्मिनल तरफ, आपको ये तो पता चल ही रहा होगा अगर आप कंकड़बाग के। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं कि मेट्रो ट्रैफिक काम काफ़ी स्पीड में हो रहा है हनुमान नगर में, और ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट हो चुका है जिसपे कि जो ट्रेन है दौड़ेगी कुछ दिन कुछ सालों बाद, बहुत अच्छा सौगात मिलने वाला है। तो गाइज आपको ये छोटा सा अपडेट पसंद आएगा तो प्लीज़ दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। बाय बाय, टेक केयर।